हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और हेटी हेयर ट्रांसप्लांट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो 1 साल बाद 1.5 साल बाद क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाती है। कुछ लोगों की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, है ना। और जो हमारे बाल गिर रहे हैं, जैसे बाल गिरने लग जाते हैं, घनापन कम हो जाता है, तो इसे किस तरह से बंद करते हैं, मतलब वो घनापन जो हमारा कम हो गया उसे वापस कैसे पाते हैं, बालों का गिरना किस तरह से कम कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का मेरे पास कॉल भी आता है, कमेंट्स में भी ये जो है सवाल पूछा जाता है, और मेरे खुद के साथ भी जो है ये चीज हुई है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो है 12 महीने पहले हुआ था। 12 महीने से ज्यादा हो गया, आज 12 महीने 15 दिन ऊपर हो गए, है ना। तो जो है आज मेरी डेंसिटी की अगर बात करूँ तो बीच में मेरी जो है डेंसिटी महीने भर पहले जो है थोड़ी कम हो गई थी। क्या हुआ था, जो एग्जिस्टिंग बाल है ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग बाल की बात कर रहा हूँ, जो घनापन बहुत ज्यादा कम हो गया था। एक फोटोग्राफ भी मैं लगा दूंगा। तो इसको वापस से मैंने कैसे कवर करा, जैसे कि आप मेरे बाल देखिए, अभी की कंडीशन काफी अच्छी है बालों की, है ना। वापस से कैसे कवर करा, ये चीज मेरे संग भी हुई थी, पर इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हो, क्या है, किस वजह से होता है, ये सब चीज मैं आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कई लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, जैसा मेरे साथ भी हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो है, या फिर 2 साल बाद के लिए हमारी डेंसिटी कम क्यों हो जाती है। एग्जिस्टिंग हेयर की बात करें, जहाँ ट्रांसप्लांट किया है वहां तो बाल अच्छे रहते हैं, पर जो पीछे की बात करेंगे, जैसा जैसा कुछ लोगों में होता है कि मान लो इतने बाल चले गए तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट करा लिया, पर इसके बाद जो बचे हुए बाल है उसमें डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, या फिर एक लाइन क्यों आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जैसे मान लो कि आपकी सर्जरी हुई है, हेयर ट्रांसप्लांट आपने कराया है, तो कुछ मेडिसिन जो है डॉक्टर आपको देते हैं 6 महीने के लिए, तो वो आप मेडिसिन लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ट्रांसप्लांट बाल किए गए वो काफी अच्छे से आते हैं, वहां पे बहुत अच्छा घनापन दिखता है। और एग्जिस्टिंग हेयर की बात करें, जो आपके जो पैटर्न बन रहा था, या फिर जो बोले जो बाल्डनेस आपको आ रही थी, जितने भी बाल आपके झड़ चुके थे और आगे जो बढ़ रहे थे, उसमें जो है धीरे धीरे कमी आने लगती है, आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है, और जो घनापन जो है आपको यहाँ पे दिखने लगता है। तो क्या होता है, 6 महीने में जो आपका सिर जो है एकदम भरा भरा आपको दिखने लगता है, 6 से 8 महीने में, या साल भर की बात कर ले, आपके जो है बाल बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं, बहुत ज्यादा घनापन आने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि एक चीज मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि जो भी चीज अच्छी है, जो आपके शरीर में अच्छा है, मान लो आपकी आंखें इतनी अच्छी है, आपके होंठ इतने अच्छे, आपका कलर इतना फेयर है, जो भी आपको अच्छी चीज दे रखी है, तो आप उसके बारे में ज्यादा जो है नहीं सोचते, है ना, कि आपने देखा आपकी आंखें कितनी अच्छी है। अगर मान लो किसी की आंखें ठीक नहीं हो, है ना, कुछ ठीक एंगल पे नहीं हो, तो वो उस चीज के बारे में सोचेगा, उसमें वो चीज की कमी है। तो जो चीज की हमें कमी होती है उसके तरफ तो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, उसके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, पर हम पे जो चीज अच्छी दी हुई है हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो क्या होता है कि आपने जब तक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया होता है, उसके पहले आप अपने बालों के बारे में बहुत सोचते हैं, बालों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट आपका करा लिया है और 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब आपका सिर भरा जाता है, आपका एकदम प्रॉपर दिखने लगता है, लुक बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपके बाल बहुत ही शानदार हो जाते हैं, तो आप उन बालों के रखरखाव की तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बाल तो आपके काफी अच्छे हो ही जाते हैं। तो क्या होता है, जो मेडिसिन आपने दी थी वो आप छोड़ देते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर में फॉलिंग हो रही थी, जो बाल्डनेस आपका बढ़ रहा था, जो बाल्डनेस आपका चल रहा था, वो जेनेटिक हो, पेटर बाल्डनेस हो, या फिर जो भी हो, है ना, वो चल रहा था, आप उसकी तरफ देना ध्यान देना बंद कर देते, या फिर डॉक्टर आपको जो मेडिसिन बनाते बताते वो भी लेना बंद कर देते, वो 6 महीने तक का बोलते। फिर आपको क्या लगता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है बालों को लेके वो पूरी तरह से चले गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई है ना। फिर क्या होता है, जो आप मेडिसिन छोड़ देते हो, है ना, और आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट जो आपके बाल की करे गए उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अच्छे ही रहेंगे, पर जो आपका पैटर्न बन रहा था, या फिर जो है आपके बाल्डनेस आगे बढ़ रही थी, तो क्या होता है, जो आप दवाई छोड़ देते हैं, या फिर जो उनका रखरखाव करना बंद कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो कुछ समय तक तो वो अच्छे बने रहते हैं ना। 6 महीने के आपको मेडिसिन देते हैं तो वो आप जैसे छोड़ेंगे, मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल जैसे आप डॉक्टर आपको करने का बोलते वो भी आप छोड़ देते, तो कुछ समय तक तो वो बाल अच्छे बने रहते हैं, और अच्छे बने रहेंगे, वो एकदम से नहीं दिखेंगे। मान लो आपने 6 महीने 7 महीने में मेडिसिन छोड़ी है, तो वो 8वें महीने भी अच्छे रहेंगे, 10वें महीने भी अच्छे रहेंगे, 1 साल तक भी अच्छे रह सकते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनका असर कम होता है, कुछ समय तक तो हमारी बॉडी में वो सब कुछ रहता है, मिनोक्सिडिल आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी असर रहता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका जो बालों की आपकी समस्या थी वो वापस जो है आगे बढ़ने लगती है।
और जो आप पे हेयर फॉल है वो होने लगता है, और जो जिस मेडिसिन की वजह से वो हेयर फॉल रुका था वो भी बाल जो है, जो बाल रुके थे जो से हुए थे वो भी जो है गिरने लगते। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो है आगे तो आपको घनापन दिखता है, पर एग्जिस्टिंग बाल में एकदम से जो है आपको जो है कमी दिखने को लगती है, जो डेंसिटी जो है वो कम होते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन की वजह से आपका जो आपका 6 महीने तक जो हेयर फॉल होना था वो नहीं होता है, 6-8 महीने तक वो स्टेबल हो जाता है और बाल आपके अच्छे दिखने लगते हैं। फिर वो जब एकदम से होने लगता है तो आपको वो ज्यादा दिखता है, बढ़ के दिखता है। तो इसी वजह से मुझे भी दिखा था। फिर क्या हुआ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, सब कुछ बात करी, तो उन्होंने यही मुझे बताया कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर में फॉलिंग थी, जो आपका बाल्डनेस हो रही थी, जो आपके बाल गिर रहे थे, आप में जो धीरे धीरे गंजापन आ रहा था, जो जेनेटिक था या फिर जो है मेल पेटर्न बाल्डनेस था, जो भी था है ना, तो उसकी वजह से हमने जो आपको मेडिसिन दी थी, जो ट्रीटमेंट जो आपको बताया था 6 महीने तक, जो आपके नए हेयर लगाए उनके लिए जो आपको बताया था, उसकी वजह से आपके नए बाल तो अच्छे से आते ही, साथ ही साथ वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर में भी वर्क करता है और आपके जो बाल गिर रहे थे वो भी रुके रहे, और आपका इसी वजह से जो है 6 से 8 महीने साल भर तक बाल अच्छे घने हुए। फिर आपने क्या करा, 6 से 8 महीने बाद जो मेडिसिन छोड़ दी उसकी वजह से जो है आपको ये चीज देखने को मिली। हालांकि मैंने अपनी मेडिसिन जो है 8 महीने बाद छोड़ी थी है ना। फिर क्या हो, क्योंकि जो मुझे समस्या थी, जो बालों की समस्या थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से मेरे अंदर की कमियां तो पूरी नहीं हुई ना, जो विटामिन की कमी थी, जो मिनरल्स की कमी थी, जो भी चीज, सब चीज मिला के जो होता है वही चीज जो है उनकी तरफ, जो मैंने बालों की तरफ ध्यान देना कम कर दिया ना, डाइट, अगर आपका खान पान अच्छा, खान पान से भी आपके बालों को कई हद तक गिरना जो है रोका जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो डॉक्टर ने मुझे बोला जो मिनोक्सीडिल आप कंटिन्यू करो, मिनोक्सीडिल कंटिन्यू लगाया, फिर मिनोक्सीडिल वापस से स्टार्ट कर दिया मैंने, तो आप बालों की आप कंडीशन देखिए कितने अच्छे बाल जो मेरे हो गए, वापस से घनापन आ गया। ये देखिए जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जिस्टिंग हेयर में आप देख लीजिए कितना ज्यादा जो है चेंजेस वापस से आ चुका है। और दोस्तों ये सिर्फ मुझे जो है 1 महीने में वापस से डेंसिटी कवर हुई। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और आपकी भी डेंसिटी कम हो गई, एग्जिस्टिंग हेयर की बात करें, न्यू हेयर जो ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए गए उसमें मुझे किसी प्रकार की कुछ भी चीज नहीं देखी गई, कमी या फिर डेंसिटी कम हुई ऐसा नहीं देखा गया। जो एग्जिस्टिंग हेयर में एकदम से घनापन काफी ज्यादा कम हो गया था, ठीक है। तो वापस से करो मिनोक्सीडिल जो है। अब दोस्तों आपका ये भी सवाल था मेरे से, आप मिनोक्सीडिल कब तक लगाएंगे? दोस्तों मैं मिनोक्सीडिल लाइफ टाइम लगाऊंगा, ठीक है ना, जब तक मेरे को अपने सिर पे बाल अच्छे रखना है ना, जब तक मैं मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करूंगा। अब दोस्तों आपका एक और सवाल होगा, क्या हम ये मेडिसिन जो बायोटीन है, बायोटीन में नहीं लेता दोस्तों, बायोटीन और फिनास्टीराइड मैंने पूरी तरह से बंद कर दी है। और दोस्तों मैं मिनोक्सीडिल को एक ही समय लगाता हूँ, शाम को सोने से पहले, पहले 2 टाइम लगाता था पर अब 1 टाइम ही लगाता हूँ। ऑलमोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ बाद जो मैंने 1 टाइम ही कर दिया था और अब 1 टाइम ही लगाता हूँ शाम को सोने से पहले। अब दोस्तों आपका ये भी सवाल होगा, क्या दोस्तों, क्या भाई जो है हम हेयर ये जो इसी तरीके से अपने बालों को रोक सकते हैं, हम मिनोक्सीडिल या बायोटीन फिनास्टीराइड हुआ? दोस्तों इसके अलावा दूसरे उपाय भी होते हैं, जैसा कि आप बाल आयाम कर सकते हैं, पर उसके साथ कुछ और चीज भी हमें करना पड़ता है, जैसे आंवला का जूस हुआ वो ले सकते हैं, या फिर कुछ घरेलू उपाय भी करते हैं, बिना विटामिन ई यूवन कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शीर्षासन भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, कुछ नेचुरल उपाय भी होते हैं जिससे हम अपने बालों का झड़ना कम कर सकते हैं, बालों की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इसके ऊपर सीरीज बनाते जाऊंगा, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसमें सब चीजों के बारे में बताऊंगा, जिससे बालायाम हुआ इस पर पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका सही तरीका होता है, सही समय होता है, और इसे किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके साथ खाने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज हमें खाने में ली जाना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में जो है, जैसे मैंने बालायाम बनाया, शीर्षायाम बताया आपको, और भी चीजें जो आपको बताई है, तो सभी के ऊपर पर्सनल वीडियो लाने वाला हूँ और कंटिन्यू जो है बताऊंगा, मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कीजिएगा, ताकि आप मेरे सारे सारे वीडियो जो आपको मिलते रहे, ठीक है। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।